आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने पेन ड्राइव के लिए एक अच्छा सा केस बना सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को जो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, मेरे पास एक 16 GB की सैंडिक्स की पेन ड्राइव थी, जो कि मैंने उसको 2-3 साल तक यूज़ किया, तो उसका USB पोर्ट जो है टूट गया था। तो उसके बाद मैंने उसका जो सर्किट बोर्ड निकाल लिया है और मैं कुछ इस तरह से जुगाड़ लगा के जो है इसको यूज़ कर रहा था कुछ महीनों तक, लेकिन शायद वो बार बार निकल जा रहा था। इसकी वजह से मैंने सोचा कि इसके लिए एक अच्छा सा केस बनाया जाए। सो फ्रेंड, मैंने इसका जो है टेप निकाल लिया है और मैंने यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है और फिर मैं इसको जो है पेन ड्राइव का जो सर्किट है उसके हिसाब से जो थोड़ी से बड़े साइज में इसको काट लूँगा। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको रख के इसके थोड़ी से जो है सर्किट से बड़े साइज में जो इसको लकड़ी को काट लूँगा। अब मैं यहाँ पे एक स्केल की मदद से जो है जो ट्रायंगल में जी हाँ 90 डिग्री पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको मार्किंग करके चारों साइड से मार्किंग करूँगा, तो इसे जो है पूरी अच्छी तरह से जो है पूरे स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में कटेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है पूरे चारों साइड में जो है मार्किंग कर ली है और उसके बाद मैं जो है इसको कटर की मदद से जो है इसको कट कर लूँगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये जो है कट हो चुका है और हमारे पेन ड्राइव के जो सर्किट है उससे थोड़ा सा जो है ये बड़े साइज में मैंने इसको काटा है। मैंने इसको क्यों बड़े साइज में काटा वो जानने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। अब मैं इसके कैप के साइज़ का मुझे जितना बड़ा चाहिए उसके हिसाब से मैं यहाँ पर कैप के लिए मार्किंग कर लूँगा और इसको हम बाद में काटेंगे। उसके पहले हम इसमें थोड़ी सी जो है फिनिशिंग टच देंगे, तो इसके लिए मैंने अपनी जो ग्राइंडिंग मशीन है उसको यूज किया हुआ है, जिसको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बनाया था। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप जो है मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हो या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इस ग्राइंडिंग मशीन के बारे में जो है वीडियो को देख सकते हो। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर दोनों साइड को अच्छी तरह से जो है ग्राइंड कर लिया है और उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसको दो पार्ट में मैंने काट लिया है। मैंने मार्किंग किया हुआ था वहाँ, उसके बाद मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और उसको भी ग्राइंड कर दिया है। USB का जो है हमारा सर्किट है वो काफ़ी पतला है, जो कि हमको थोड़ा सा उसको विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आइसक्रीम स्टिक ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी का आइसक्रीम स्टिक्स ले लीजिए और उसके बाद इस पर मार्किंग करके आप कुछ इस तरह से जो है उस पर मार्किंग कर लीजिए और उसके बाद उसको काट लीजिए। और फ्रेंड, अब मैं यहाँ पर फेविक की मदद से जो है इसको अच्छी तरह से चिपका लूँगा, लेकिन उसके पहले जो है इस पर थोड़ी सी ग्लू और लगी हुई है जो टेप की ग्लू थी, तो उसको मैं अच्छी तरह से जो है यहाँ पे क्लीन कर लूँगा। और क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे फेविक्विक की मदद से जो इसको अच्छी तरह से उस पर स्टिक कर दूँगा। सो कुछ इस तरह से जो है मैंने इसको इस पर स्टिक कर दिया है और उसके बाद मैं पूरी अच्छी तरह से जो है चारों साइड से फेविक्विक को लगा दूँगा और उसके बाद मैं ग्राइंडिंग मशीन की मदद से जो है और इसको चारों साइड से मतलब जो भी थोड़ा थोड़ा पार्ट जो निकला हुआ है उभरा हुआ है उसको जो है ग्राइंड कर दूंगा मैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैं बता दूं ये करते समय आपको जो है काफ़ी सावधानी से करना पड़ेगा जी हाँ, क्योंकि इससे जो है आपका सर्किट जो है डैमेज हो सकता है। सो इसके लिए बहुत ही मतलब सावधानी से बहुत ही आराम से करिएगा जैसा कि मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक ओटीजी ले लिया है, तो जो कि यहाँ पे अभी भी उस पर अंदर फिट नहीं हो रहा हमारा पेन ड्राइव, तो इसकी वजह से इसको विड्थ को जो है जो मोटाई है उसकी थोड़ी और कम करूँगा। और मैंने इसके चारों साइड को जो है अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, जिसमें USB जो सॉरी अपना जो OTG स्टोरेज होता है फिर कहीं पर भी आप प्लग करोगे तो वो जो आसानी से उसके अंदर चला जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप पूरी अच्छी तरह से जो इसके अंदर फिट हो रहा है। सो हमारा जो है आधा काम हो चुका है।
फ्रेंड अभी हमको क्या करना है कि ये जो हमने लकड़ी का टुकड़ा काटा था उसके अंदर हमको अच्छी तरह से होल करना है। तो उसके लिए हम इसमें मार्किंग करेंगे कि हमारा सर्किट जो है कितना, हमको कितनी जगह में जो सर्किट को फिट करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग कर लिया। अप्रोक्सीमेटली आपको बॉर्डर देख के और दोनों साइड की लकड़ी के जो है आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं जो जितनी गहराई तक मुझे करना है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे लेंथ को यहाँ पे मेजर टेप जो है चिपका दूंगा, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा जब मैं होल करूँगा इस पर, तो मुझे पता चलता रहेगा कि मुझे कहाँ तक होल करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रिल मशीन की मदद से जो है इसमें होल कर लूँगा। सो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसमें पूरा इसके लिए पेनड्राइव के लिए अच्छी तरह से होल कर लिया है। हमारी जो पेनड्राइव है इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरह से जो है फिट हो जा रही है। सो फ्रेंड अब मैंने यहाँ पे दो ईयरफोन के मैग्नेट्स ले लिए हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से दोनों जो है आपस में चिपक जाते हैं। सो यहाँ पे एक मैं अपनी जो पेनड्राइव की सर्किट का लकड़ी का बोर्ड लगाया है उस पर जो है हम उस पर थोड़ा सा होल करेंगे और इस मैग्नेट को लगा देंगे। यहाँ पे जो कैप लगाया है उस पर भी हम लोग होल करके इस पर भी हम मैग्नेट को जो है लगा देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैग्नेट को मैंने लगा दिया है, फेविक्विक की मदद से मैंने उसको जो फिक्स कर दिया है। और देखो जो हमारा सर्किट है वो अच्छी तरह से इस पर चिपक जा रहा है और वो निकल नहीं रहा है। सो अब हमको क्या करना है कि एक ग्लू गन लेनी है। जहाँ आप चाहो तो ग्लू गन कैसे बनाते हैं उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। और मैंने अपने सर्किट बोर्ड को जो है पेन ड्राइव के सर्किट बोर्ड उसको उसको इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद मैं इसको जो है ग्लू गन से जो है चारों साइड से जो अच्छे से फिल कर दूंगा, जो कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ग्लू गन से चारों साइड जो उसको अच्छी तरह से यहाँ पे ग्लू गन लगा दी है। सो फ्रेंड अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फाइनल जो है पेन ड्राइव वो निकल के आ चुका है। सो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसके चारों साइड में चारों कॉर्नर्स में भी है जो ग्राइंडिंग कर ली है अपनी मशीन से, और पूरी ये जो है अभी दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमारा जो है काम हो चुका है। लेकिन सबसे मेन जो काम है वह है इसका कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो इसके लिए मैंने फिर से ओटीजी का एक अडाप्टर ले लिया है। फिर उसके बाद मैं इसको जो अपने फ़ोन में लगाऊंगा। और अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ओटीजी स्टोरेज करके एक यहाँ पे बताएगा। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं ओटीजी स्टोरेज बता रहा है, मतलब हमारी पेन ड्राइव जो है काफ़ी अच्छी तरह से जो है काम कर रही है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दें, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी